जहां प्रदेश की योगी सरकार हर जिले में सामूहिक विवाह करा रही है, वहीं सिद्धार्थनगर जिले में एक प्रधान को सामूहिक विवाह अपनी संपत्ति बेचकर कराने का जुनून देखा गया है। बर्डरपुर के गांव प्रधान हनुमान पांडे ने गरीब परिवारों के 11 जोड़ी लड़कियों की शादी कराकर सभी को एक नई मिसाल दी है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि हनुमान पांडे अपने खेत की जमीन बेचकर लड़कियों की शादी कराते हैं। वहीं जब ग्राम प्रधान हनुमान पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस सामूहिक विवाह में ग्रामीणों व क्षेत्र की जनता का भी काफी सहयोग मिला है। वहीं प्रधान हनुमान पांडे का सामूहिक विवाह कराने का मुख्य उद्देश्य समाज से दहेज प्रथा को खत्म करना है। पाड़े जी मतलब प्रधान जी घर वाले पिताजी, आपके पिताजी का क्या नाम है? नंदू वर्मा। किस गांव के हैं आप? जंगटी कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा है। यही तो धर्म का काम है, हिंदू धर्म का। ये प्रधान जी जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ऊपर वाला उनका और भी प्रगति करे। हम अपने लोगों से भी साथ बैठक करते हुए अगर हम लोग सोचे कि ऐसा कार्य करें तो समाज में एक अच्छा संदेश जाए। हम प्रधान यहाँ कराऊंगा तो ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। शादी में लगभग 70 से 80 हजार। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट।